हेलो फ्रेंड्स वेरी वम वेलकम टू एल के आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम टूडे वी विल स्टार्ट विद अवर करंट अफेयर्स टॉपिक तो जो नवम्बर एंड दिसंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं हम उसको पढ़ेंगे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटी के सब्जेक्ट के साथ जोड़कर कर ये पूछा जा सकता है और वो है रिपीलिंग फार्म लॉस तो हमें पता है कि गुरु पूरब के दिन नवंबर में प्राइम मिनिस्टर ने फार्म लॉ को वापस लेने की बात कही आफ्टर वन एंड वन वन एंड हाफ ईयर जबकि ये बिल लाया गया था इट वॉज रिवॉल्यूशनरी बिल्स खेती कृषि में बेसिकली रिवॉल्यूशन लाने के लिए किसानों की जो छोटे किसान थे उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए ये कृषि बिल लाए गए थे फार्म लॉज लाए गए थे बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी बट क्योंकि पंजाब हरियाणा के मल्टीपल लैक्स ऑफ फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग द फार्म लॉज सिंस द इंसेप्शन ओके जब से वो लाए गए थे उसी एमएसपी के चलते उसके ऊपर Uh, विरोध हो रहा था प्रोटेस्ट हो रहा था एट दी एंड गवर्नमेंट ने uh, इन फार्म लॉज को रिपील किया है नाउ फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैसे किसी बिल को रिपील किया जाता है उसको वापस लेने की क्या प्रोसेस है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा पॉलिटी परसपेक्टिव से सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंसड द रिपील ऑफ द थ्री फार्म लॉज द पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट देखिए तो जब भी आप पार्लियामेंट वर्ड बोलते हो तो उसमें लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों आने चाहिए हैज़ द अथॉरिटी टू अनेक्ट अमेंड एंड रिपील एनी लॉ तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास वो अथॉरिटी नहीं दी गई है प्राइम मिनिस्टर को भी अगर कोई लॉ लाना है मतलब गवर्नमेंट को भी जब कोई लॉ लाना है तो उसको अपनी पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा द फार्म लॉज हैड विटनेस्ड प्रोटेस्ट

अपने अलॉटेड ए में ही अपना सामान बेचना पड़ता था, था अपनी फसल बेचनी पड़ती थी नए फार्म लॉ से पूरे देश के किसी भी मार्केट में वो फसल को बेच सकता था दूसरा जो बिल था दैट इज़ फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइज अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी सो इट इट सीक्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है क्योंकि एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी किसानों के साथ कि आपके खेत में इतने आलू उगाइए या सो so एंड सो so चीज़ें उगाइए हम आपको पैसा दे देंगे ओके सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज फार्मर्स के लिए लाई जा रही थी

सिस्टम uh, अभी बनी हुई है जिससे उनकी खरी कमाई होती है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी और उनका कोई वजूद नहीं रहेगा उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी दूसरा ये था कि एम के जो ये असेंशियल uh, कमोडिटीज से निकालने की बात जो चल रही थी तो उससे फार्मर्स में ये डर था कि सरकार एम एस पी दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको बंद कर देगी उसको देना बंद कर देगी आफ्टर सो मेनी राउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीटिंग्स विथ फार्मर्स यूनियन एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अश्योर किया कि एम बंद नहीं हो रही है गवर्नमेंट एम पे आ, बाई करना जो आ, फसल है उसको बाई करना चालू रखेगी बट स्टिल देर सारी जो बातचीत थी बैठके थी वो आ, इतनी कामयाब नहीं हो पाई रीज़न फॉर अनेक्टिंग द लॉस सो देर हैज़ बीन अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अ सब्जेक्ट दैट कम्स अंडर दर्व्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स तो तीस चालीस सालों से ये डिमांड हो रही थी कि इतनी योजनाएं हम किसानों के लिए ला रहे हैं एट दी एंड किसानों के लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है और इसीलिए स्वामीनाथन कमेटी ने आज से कई साल पहले ये सुझाव दिया था कि हार्ड वाले फार्म रिवोल्यूशन लाने की हमें ज़रूरत है द सेंटर टुक द इश्यू अप इन अर्ली टू थाउजेंड बाई पुशिंग द रिफॉर्म्स इन द ए ए पी एम सी एक्ट ऑफ द स्टेट्स द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अंडर द देन गवर्नमेंट डिजाइंड अ मॉडल ए पी एम सी एक्ट इन टू थाउजेंड एंड थ्री एंड सर्क्युलेटेड इट अमोंग द स्टेट्स तो देखिए उस टाइम पर भी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने भी इसको अप्लाई करने की कोशिश की थी द सब्सिक्व गवर्नमेंट टू पुस्ड फॉर दीज रिफॉर्म्स बट गिवन दैट इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट द सेंटर हैज हैड अ लिटल सक्सेस इन गेटिंग द स्टेट्स टू अडॉप्ट मॉडल ऑफ ए पी एम सी एक्ट इट वॉज़ इन दिस बैकड्रॉप दैट द गवर्नमेंट वेंट फॉर रिफॉर्म्स इन द सेक्टर बाई पासिंग दीज लॉज तो जब सारे स्टेट्स नहीं मान रहे थे क्यों क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट तब जाके अल्टीमेटली लॉज के थ्रू लॉ ला के क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी थी लॉ पास करवाना ईजी था एंड दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ पासड अ लॉ रीजन बिहाइंड फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या था सो so, पहला तो था क्यों रिपील करना पड़ा उसको The first and foremost demand of the protesting farmers organization is the repeal of the three new agriculture laws. As per the farmers, the law is framed to suit big corporations who seek to dominate the Indian food and agriculture business and will weaker the negotiating power of farmers. Also, big private companies, exporters, wholesalers, and processors may get an edge. तो फार्मर्स को ये डर था कि उनके पास जो अब तक पोजीशन है जो मार्केट में उनकी जो पोजीशन है वो इससे खत्म हो जाएगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर उनका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था द सेकेंड डिमांड ऑफ फार्मर्स इज द गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू एंश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ़ क्रॉप्स एट अ सूटेबल प्राइस द फार्मर्स आर ऑल्सो डिमांडिंग टू गेट अ रिटर्न इंश्योरेंस इन द फार्म इन द फॉर्म ऑफ अ बिल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द एम एस पी एंड conventional फूड ग्रीन procurement सिस्टम the फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन want the apmc or mandi system और मंडी सिस्टम टू बी प्रोटेक्टेड तो गवर्नमेंट ने रिटर्न में कुछ नहीं दिया बट गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट आपको एमएसपी दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल क्या था सो द थर्ड डिमांड ऑफ फार्मर इज द विद्रॉल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एज दे फील दैट दे वोंट गेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस ओके सो जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसानों को दी जा रही थी उनको ये था कि इससे वो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा ओके स्वामीनाथन कमीशन क्या है और कभी इसको रिकमेंड किया गया सो फार्मर्स आर डिमांडिंग एमएसपी एज रिकमेंडेड बाई द स्वामीनाथन कमीशन द स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट स्टेट दैट द गवर्नमेंट शुड रेज द एम एस पी टू एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दी टू प्लस फिफ्टी परसेंट फॉर्मूला इट includes कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द रेंट ऑन द लैंड कॉल्ड land टू c2 गिव फार्मर्स farmers 50% returns तो स्वामीनाथन कमीशन की सारी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने नहीं मानी बट कुछ जो नहीं मानी थी फार्मर्स प्रोटेस्टिंग आप उसको भी अप्लाई कीजिए स्टेइंग द इम्प्लीमेंटेशन सो दि सुप्रीम कोर्ट स्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द्री लॉज इन जनवरी ट्वेंटी तो देखिए जब ये फार्म बिल लाए गए ट्वेंटी में तब से ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था और जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भाई आप इसको अभी के लिए रोक दीजिए पहले हमें पूरा चीज़ समझने दीजिए गवर्नमेंट इतने जल्दी से क्यों ये बिल पास कर रही है उस टाइम पे लॉकडाउन का भी टाइम था राइट सो सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑल्सो स्केप्टिकल कि क्यों आप इतने जल्दी कर रहे हो uh, फार्म बिल्स को प्रोटेस्ट करने के लिए अगर आपको फार्म बिल करने ही है अप्लाई तो आप किसानों की बात सुनिए एंड देन आप दोनों की बात हम सुनेंगे एंड वी विल डिसाइड कि इसको क्या करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरमीडिएट स्टे लगा दिया था द फार्म लॉज वर इन फोर्स ओनली फॉर 221 डेज फ्रॉम जून फिफ्थ 2020 ट्वेंटी वेन द ऑर्डिनेंस वर प्रोम्यूगेटेड टू जनवरी ट्वेल्थ ट्वेंटी ट्वेंटी वन वेन द सुप्रीम कोर्ट स्टेड दियर इम्प्लीमेंटेशन देखिए और जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हमारे यहाँ कितना लॉकडाउन चल रहा था ओके सिंस द स्टे द लॉज हैव बीन सस्पेंडेड द गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड ओल्ड प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955 टू इम्पोज स्टॉक हैविंग अमेंडेड द एक्ट थ्रू वन ऑफ द थ्री फार्म लॉज इंपैक्ट क्या होगा फार्म लॉ को रिपील करने का नीड अ कंसल्टे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सजेस्ट किया है कि कोई लॉ लाने से पहले उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ आप ठीक से कंसल्ट कीजिए ताकि ये सारे लॉ पास करने के बाद इतना पैसा खर्च कर रहा है पार्लियामेंट और उसके बाद लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग डेथ हो रही है प्रोटेस्ट हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हर शहर में बन रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट शुड थिंक बिफोर इंप्लीमेंटिंग एनी लॉ द रिपील अंडरलाइंस दैट एनी फ्यूचर अटेम्प टू रिफॉर्म द रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी वुड रिक्वायर अ मच वाइडर कंसल्टेसन नॉट ओनली फॉर बेटर डिजाइन ऑफ रिफॉर्म्स बट फॉर वाइडर एक्सेप्टेंस द रीपील वुड लीव द गवर्नमेंट हैगेन द गवर्मेंट विल डाउटलेस है पाथ ऑफ रिफॉर्म वेरी कोशियसली तो देखिए इस गवर्नमेंट के पास तो मेजोरिटी थी स्टिल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक बैक दाम लॉज विच इट हैज पासड विथ मेजोरिटी फुल मेजोरिटी सोचिए कि आने वाले कई सालों तक क्या हम ये पॉसिबल होगा कि मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आए और जब मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं आएगी जब अलग अलग दलों की गठबंधन वाली गवर्नमेंट होगी अलायंस वाली गवर्नमेंट होगी सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो ऐसे रिफॉर्म्स वाले जो कड़े लॉज uh, है वो ला पाएंगे तो आने वाली सारी गवर्नमेंट के लिए ये थोड़ा हार्ड वे हो सकता है लो फार्मर्स इनकम एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में सो गिवन दैट द एवरेज होल्डिंग साइज स्टैंड्स एट जस्ट पॉइंट नाइन हेक्टर देखिए एक हेक्टर भी एक छोटा किसान एवरेजली हेल्ड नहीं कर रहा है सो पॉइंट नाइन हेक्टर अनलेस वन गोज फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड दैट्स वेयर वन नीड्स एफिशिएंट फंक्शनिंग वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू फोक बाय द इन्फ्यूजन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन लॉजिस्टिक्स स्टोरेज प्रोसेसिंग ई कॉमर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज द इनकम्स ऑफ फार्मर्स कैन नॉट बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली देर इज़ नो डाउट दैट दिज सेक्टर इज क्राइंग फॉर रिफॉर्म्स both IN THE MARKETING OF OUTPUTS AS WELL AS INPUTS INCLUDING LAND, LEASE MARKETS AND a DIRECT BENEFIT TRANSFER OF ALL INPUT SUBSIDIES, FERTILIZERS, POWER CREDIT AND FARM MACHINERY. तो इसलिए ट्राइ कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए आपकी इनकम बढ़ाने के लिए इन गवर्नमेंट ने काफी लॉजिकल पॉइंट्स दिए काफ़ी टेक्निकल बातें दी फार्मर्स को बट एट दी एंड दो स्टेट के फार्मर्स के चलते सारे फार्म लॉ को रिपील कर दिया नाउ व्हाट गवर्नमेंट कैन डू कि हर स्टेट में जहाँ जहाँ उनकी पार्टी की सरकार है वहाँ ये बिल्स को वो लागू कर सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज सो इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक कोल्ड चेन एग्री रिलेटेड एंड फार्म इक्विपमेंट वुड बी इम्पेक्टेड द मोस्ट बिकॉज दे वर सपोज टू बी द डायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ दीज लॉस Constant agri GDP. So, the agri gross domestic product growth has been 3.5% per annum in the last 14 years. One expects these trends to continue. There might be minor changes in the agri GDP depending on the rainfall patterns. Cropping patterns will remain skewed in favor of rice and wheat. With the granaries of the Food Corporation of India bulging the stocks of grain, the food subsidy will keep bloating and there will be large. लीकेजेस तो ये सारे गैप्स ऑलरेडी थे उसको गवर्नमेंट फिल करने की कोशिश कर रही थी बट एट द एंड क्योंकि लोगों की सुननी है वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी सो गवर्नमेंट हैज़ टू लिसन टू देर पीपल देर स्टेक होल्डर्स और ये फार्म बिल वापस लेने पड़े Now we need to see that how the farm laws or how any law can be repealed. What is the procedure for that? Prime Minister ने TV पे आके बोल दिया that farm laws will be repealed. तो क्या उसी दिन से वो खत्म हो गए? नहीं ऐसा नहीं है. There is an entire procedure कि uh, किसी भी bill को या किसी भी law को किस तरीके से खत्म किया जा सके. So recently the Prime Minister of India announced that the three कंटेशियस फार्म लॉज दैट वर पासड इन ट्वेंटी ट्वेंटी वुड बी रिपील्ड इन द अपकमिंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट और एज ऑफ नाउ विंटर सेशन चल रहा है तो आप सबको ये पता होना चाहिए आई वुड रिकमेंड अगर आप नेक्स्ट एक दो महीने में एग्जाम देने वाले हो तो uh, उसको कॉन्स्टेंटली आप देखिए पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स को की पॉइंट क्या थे सो आर्टिकल टू फोर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया

लॉ वापस लेने का जो प्रावधान है वो किया गया है फॉर रिपील द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज़ द सेम एज इनैक्टिंग अ लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन तो जितना पावर पार्लियामेंट को किसी लॉ को बनाने के लिए है उतना ही पावर पार्लियामेंट के पास किसी लॉ को रिपील करने के लिए भी है सनसेट क्लॉज अब देखिए दो रास्ते हो सकते हैं एक तो आपने या तो ऑर्डिनेंस से कोई कानून बनाया होगा तो आप ऑर्डिनेंस से उस कानून को रद्द भी कर सकते हो दोनों ही केस में आपको पार्लियामेंट से उसको पास करवाना पड़ेगा दूसरी चीज़ है कि अगर आपने पार्लियामेंट के थ्रू ही किसी लॉ को डिस्कशन करके पास किया है इन द सेम प्रोसीजर अगेन यू नीड टू मेक अ डॉक्यूमेंट टू ले पेपर टू ले ड्राफ्ट ऑफ अ बिल कि हम ये लॉ को रिपील करना चाहते हैं इस लॉ को रद्द करना चाहते हैं दूसरा एक चीज़ यह है कि लेट से कोई टेम्पररी इशू को सॉल्व करने के लिए ये कोई किसी टेम्पररी इशू को अड्रेस करने के लिए अगर मैं कोई लॉ बना रहा हूँ और मुझे पता है कि आज से सो एंड सो डेट या सो एंड सो ईयर के बाद ये लॉ मुझे नहीं ही चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी उस लॉ को बनाते समय ही जस्ट लाइक द एक्सपायरेशन डेट उस लॉ की एक्सपायरेशन डेट उस लॉ को बनाते टाइम ही उसमें डाल दी जाएगी आप फूड पैकेट जब लाते हो तो लिखा होता है ना बेस्ट बिफोर ट्वेल्व मंथ्स और आपको एक्सपायरेशन डेट दी देती है दवाइयों पे एक्सपायरेशन डेट लिखी होती है कि इसके बाद इसको खाना इज नो लॉन्गर एडवाइजेबल राइट तो वैसा ही एक सनसेट क्लॉज लॉ बनाते टाइम आप उस पर डाल सकते हो कि दो में अगर मैं लॉ बनाया हूँ तो 2025 के बाद या 2030 के बाद ये लॉ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रद्द हो जाएगा सो so उसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज सो लेजिस्लेशन कैन आल्सो हैव अ सनसेट क्लॉज अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर विच दे सीज टू एग्जिट एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल द एंटी टेरर लेजिस्लेशन टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 जिसको हम टाडा के नाम से जानते हैं कॉमनली नोन एज टाडा हैड अ सनसेट क्लॉज एंड was अलाउड टू लैप्स इन 1995. नाइन्टी फाइव ओके सो नाइन्टीन नाइन्टी में अगर आपको याद हो तो संजय दत्त को इस आ, इसी केस में आ, इसी लॉ के तहत उनको सजा हुई थी टाडा के लॉ के तहत ओके बट 1995 में उसको सनसेट क्लॉज डाला हुआ था कि भाई 1995 के बाद हमें वो नहीं चाहिए तो अब वो इन प्लेस या एप्लीकेशन में ऑन ग्राउंड नहीं है रिपीलिंग क्या है सो so,

इफ द ऑर्डीनेंस लैपसिस बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट द रिपील्ड लॉ कैन बी रिवाइव्ड ओके तो अगर कोई चीज़ ऑर्डिनेंसें लाई गई है तो भी वो लिमिटेड टाइम के लिए इन प्लेस रह सकती है पार्लियामेंट से उसका पास होना छः महीनों के अंदर अंदर बहुत ज़रूरी है इनकेस ऑफ न्यू लॉ जब आप लागू करना चाह रहे हो या आप बिल्कुल रिपील करने का भी अगर ऑर्डिनेंस लाते हो वो भी पार्लियामेंट के थ्रू पास होना काफ़ी जरूरी है रिपीलिंग थ्रू लेजिस्लेश सो द गवर्नमेंट विल हैव टू पास द लेजिस्लेशन टू रिपील द फार्म लॉज इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव द प्रेसिडेंसेंट बिफोर इट कम्स टू एन एग्जिस्टेंस और कम्स टू द इफेक्ट ऑल थ्री फार्म लॉज कैन भी रिपील्ड थ्रू अ सिंगल लेजिस्लेशन ओके अब मैं सिंगल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ और उसमें लिख सकता हूँ कि ये ये जो जो मेरे को रद्द करना है फार्म लॉज उसको मैं नाम लिख दूँगा और लिख दूंगा कि ओके okay, ये तीन रद्द होने वाले हैं पार्लियामेंट उस पर वोटिंग करेगा मेजोरिटी से अगर वो बिल पास होता है तो तीनों फार्म लॉज रद्द हो जाएंगे यूजली बिल्स टिल्टेड रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस पर्पज इट इज पासड थ्रू द सेम प्रोसीजर एज एनी अदर बिल्स the last time the repealing and amending provisions was invoked was in 2019 when the union government sought to repeal 58 obsolete laws and make minor amendments to the income tax act 1961 and the indian institute of management act 2017 to dekhiye hamare कॉन्स्टिट्यूशन uh, में 58 जितने ऑप्सिलोट लॉज थे ऑप्सिलोट का मतलब क्या है कि ब्रिटिशरों के ज़माने से वो चले आ रहे थे उनका आज की तारीख में ऑन ग्राउंड देर इज़ नो रेलिवेंस देर इज़ नो सिग्निफिकेंस तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों इसको रखने का मतलब क्या है और उसको क्या कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था ओके okay, तो उस टाइम पे रिपीलिंग की जो का आ, आ, प्रोसेस है वो की गई थी यूजली दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस फार्म बिल के लिए भी कोई रिपीलिंग का या सनसेट क्लॉज सोचने की बात ही नहीं थी बट क्योंकि वो प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था एट दी एंड गवर्नमेंट हैड टू लिसन टू दमर यूनियंस और जो अल्टीमेट सोल्यूशन था कि अगर प्रोटेस्ट को ख़त्म करना है तो फार्म बिल हमें वापस लेने पड़ेंगे और उसके बाद किसानों के साथ कंसल्टेसन करके हो सकता है कि आने वाले सालों में नए बिल्स लाए जाए ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कुलभूषण जादव केस दिस इज अगेन रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल रिलेशन्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस बढ़ा है पिछले कुछ सालों में आ, उसके उसके बारे में हमें पता चलेगा एंड जो यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन थे जिन पे जिनको इंडिया ने रेटिफाई किया है जिनको इंडिया ने माना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे सो कुलभूषण जाधव इज बेसिकली रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान एंड वियना कन्वेंशन ओके नाउ वियना कन्वेंशन क्या है उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ सो वियना कन्वेंशन एक ऐसी ट्रिटी है बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस मेंबर कंट्रीज कि एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं एक दूसरे के जो हैं, एक दूसरे के जो एक दूसरे के कंट्री के जो ऑनर्ड पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ किस तरीके से दूसरे कंट्री को बिहेव करना चाहिए उसकी जो प्रोसीजर्स लिखी गई है उसको आप कहोगे वियना कन्वेंशन ओके okay, सो so, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन दो कंट्री के बीच कैसे होने चाहिए कैसे उनको प्रोसेस किया जाना चाहिए कैसे उनको गवर्न किया जाना चाहिए वो सारी बातें लिखी है वियना कन्वेंशन में नाउ क्यों हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सो so, भारत का एक एक्स नेवी ऑफिसर जिस जिसका नाम था कुलभूषण जाधव उसको पकड़ लिया पाकिस्तान ने आ, ये एलिगेशन लगा कि एस कर रहा है वो एस मतलब जासूसी कर रहा है उसके सामने उसको विदाउट एनी हियरिंग इन द नॉर्मल कोर्ट उस वहाँ की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी और इस फांसी की सजा के सामने भारत गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ओके okay, जहाँ पे भारत की जीत हुई आफ्टर दैट कुलभूषण जाधव को कौंसुलर एक्सेस प्रोवाइड करवाया गया और इसे भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन मानी जाती है इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सो रिसेंटली पाकिस्तान पार्लियामेंट हैज़ हैजेक्टेड अ लॉ

ओके okay, तो इंडिया अभी भी ये बोल रहा है कि आईसीजे ने बोला है उस स्पिरिट में तो आपने ये लॉ बनाया ही नहीं है कुलभूषण जाधव को जल्दी से न्याय मिलना चाहिए वो आपकी जेल में इतने सालों से बंद है क्या केस था उसका बैकग्राउंड जानते हैं सो so, अरेस्ट किया गया किसको को सो फिफ्टी वन ईयर ओल्ड रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ऑन चार्जेस ऑफ एस एंड टेररिज्म इन अप्रैल ट्वेंटी सेवेंटीन अब देखिए वियेना वी, कन्वेंशन में क्या लिखा गया है सो so, वियना कन्वेंशन में ये लिखा गया है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट को या डिफेंस पर्सनालिटी को अगर किसी भी चार्जेस के थ्रू अगर आप अरेस्ट करते हो आपको उस कंट्री को फैक्स के थ्रू उस एम्बस एम्बसी को फैक्स के थ्रू नोटिफिकेशन देना पड़ेगा और जो बंदे को आपने अरेस्ट किया है उसको कॉन्स्यूलर एक्सेस मतलब एक लॉयर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जो उसकी पसंद का हो ये सारे प्रोटोकॉल कुलभूषण के नहीं हुए और जब फांसी की सजा हुई कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर लिया गया है सो इन डिसम्बर ट्वेंटी जाधव एंड मदर वर अलाउड टू मीट हिम अक्रॉस पार्टीशन विद इंडिया पाकिस्तान ओके सो पाकिस्तान का ये कहना था कि हमने वाइफ और उनकी पत्नी को मिलने दिया तो वो कॉन्सुलर एक्सेस हो गया नाउ यू कैन इमेजिन द कंट्री प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कॉन्सुलर एक्सेस का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी लीगल काउंसिल की उनको अपॉइंटमेंट uh, दी जाए राइट right? और इसीलिए पाकिस्तान आईसीजे में अपना जो पोजीशन था वो खो बैठा हार गया denial of consular access so india approached the icj against pakistan for denial of consular access according to vienna convention to jadhav and challenging the death sentence icj ne kya ruling diya so in 2019 the icj ruled that pakistan was obliged under international laws to provide by means of its own choosing effective review and reconsideration of jadhav's conviction अब देखिए आई का रूल मानना जरूरी नहीं है बट अगर कोई देश आई का रूल नहीं मानता है सो इट्स अ बैड इम्प्रेशन एट ग्लोबल लेवल सो कोई देश कभी ये करता नहीं है कि वो आई के रूल्स को फॉलो ना करे, तो पाकिस्तान ने भी उसको फॉलो करना स्टार्ट किया पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्स दिया सो इन वेक ऑफ द आई सी जे ऑर्डर द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैड प्रोमगेटेड अ स्पेशल ऑर्डिनेंस टू अलाउ जाव टू फाइल अ रिव्यू पिटिशन पाकिस्तान पार्लियामेंट हैज़ पासड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन बिल फुलफिल ट्वेंटी ऑब्लिगेशन अंडर वर्डिक्ट ऑफ सी जे तो ICJ ने जो आ, उनको रिकमेंडेशन दिया था उसको अपने यहाँ पे अप्लाई करने के लिए द हैड टू पास अ लॉ थ्रू दार्लियामेंट ओके क्यों क्योंकि मिलिट्री कोर्ट ने एक बार जो आ, अपना आ, सुझाव दे दिया था उसके सामने आप अपील नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में ऐसी प्रोविजन ही नहीं है

एक्स्ट्रा से ज़्यादा पावर दे दिए गए विच इज़ नॉट नीडेड क्यों क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ का मामला है जो खुद ही के कंट्री ने उसको फॉलो नहीं किया है तो वो एक छोटा सा कोर्ट पूरे कंट्री के कंडक्ट को रिव्यू करेगा जो कि हमें ऑलरेडी रिजल्ट कि वो किसके फेवर में होगा पाकिस्तान के फेवर में होगा इम्प्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन फॉर इंडिया सो इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन इज अ फ्रेज विच इज डिफरेंट फ्रॉम रिव्यू एज One understands in a domestic course. It includes giving consular access and helping Jadav in preparing his defense. It means that Pakistan has to disclose the charges and also the evidence which it has been absolutely opaque about up till now. Pakistan would also have to disclose the circumstances in which Jadav's confession was. एक्सट्रैक्टेड बाई द मिलिट्री तो पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें लानी पड़ेगी कोर्ट के सामने और उसके बाद वो दुनिया के सामने अपनी ही पोल खोलेगा ओके इट इम्प्लाइज दैट जादव विल हैव अ राइट टू डिफेंड विच एवर फोरम और कोर्ट हियर्स हिस केस तो इंडिया थोड़ा बहुत होपफुल है, है और देखते हैं कि आगे वाले टाइम में ये इसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है ऑन दी इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है सो आई अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1945 बाय अ यूएन चार्टर एंड बिगेन वर्किंग इन 1946 द सक्सेसर टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इट एडवाइजरी ओपिनियंस टू ऑथोराइजन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ओके देखिए एडवाइजरी ओपिनियन देता है उसको मानना इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनी नेशन इट इज़ सीटेड इन द पीस पैलेस ऑफ हॉग नेदरलैंड तो वो नेदरलैंड के हॉग नाम के शहर में पीस पैलेस नाम की जगह है वहाँ पे वो बैठते हैं इंडिया की तरफ से दलबीर भंडारी नाम के जो जज है उनको आईसीजे की पैनल में आ, वो इलेक्ट हुए हैं कन्वेंशन क्या है सो वियना कन्वेंशन ऑन इज रिलेशन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट ट्रिटी रिलेशंस रिलेशन इंडिपेंडेंट स्टेट्स अ इज नॉट अ डिप्लोमेट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरन स्टेट इन अ होस्ट कंट्री हु वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री मैन आर्टिकल थर्टी सिक्स ऑफ दिएना कन्वेन्शन स्टेट दैट फॉर नेशनल इन द होस्ट कंट्री मस्ट बी गिवन नोटिस विदाउट देर राइट टू ने अपने यहाँ पे नहीं की और इसी की वजह से इंडिया को आईसीजे में जाना पड़ा था चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपको अगर पता होगा कि पेट्रोल के दाम जो है वो पिछले काफी महीनों से इंक्रीज होते जा रहे हैं वाई बिकॉज देर इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई इश्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक कंट्रीज़ वो ऑयल की कीमतों को कम करने के लिए तैयार नहीं है अब यूएस जैसे जो कंट्री है वो अपने फ्रेंडली नेशंस को ये बोल रहा है कि भाई हमें आ, अगर ऑयल की कीमतों में कटौती करवानी है इंटरनेशनल मार्केट में तो आपके जो ऑयल रिजर्व है वहाँ से ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कीजिए ओपेक कंट्री से ऑयल ख़रीदना हमें बंद करना पड़ेगा फॉर सम टाइम जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली ऑयल के दाम क्या आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे सो इन वेक ऑफ 2022 ट्वेंटी टू मिड टर्म इलेक्शन इन द यूएसए The Biden administration is considering tapping the US strategic petroleum reserve to check rising oil prices. Such a move may not have a long-term impact on dampening US oil prices that hit a seven-year high above 85 US dollar a barrel. China and India are also expected to do the same after Saudi Arabia and Russia. members ऑफ दी ओपेक प्लस प्रोडक्शन ग्रुप declined टू pump oil मोर oil into global ग्लोबल मार्केट्स तो देखिए जो ओपेक कंट्रीज थे उन्होंने ज़्यादा ऑयल देने से मना कर दिया है तो अब ये कंट्रीज सोच रहे हैं कि क्योंकि हमें डिमांड को पूरा करना है और इन कंट्री का जो मेनिपुलेशन है उसका हिस्सा नहीं बनना है तो हम अपने ऑयल रिजर्व को वी विल यूज़ क्या होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि मुसीबत के टाइम के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जाते हैं कि मान लो जैसे कि कोविड की सिचुएशन में हुआ सडनली लॉजिस्टिक आपका पूरा बंद हो गया राइट right? या कोई नेचुरल कैलिमिटी आ गई जिसकी वजह से लॉजिस्टिक पॉसिबल नहीं है तो उस टाइम के लिए एनर्जी नीड को कवर uh, करने के लिए रीच आउट करने के लिए हर कंट्री के पास अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होगा ठीक है ना हमारे घर में सोच लीजिए कि किचन में हमेशा एक पैकेट नमक का एक्स्ट्रा पड़ा रहता है क्यों ताकि जैसे ही नमक खत्म हो या हमें लगे कि कोई मुसीबत आने वाली है वी कैन यूज दैट लाइक दिस बैटरीज रखी होगी आपने या सम मुसीबत में काम आने वाली चीज़ी चीज़ों को आप रेडी रखोगे रिजर्व में रखोगे उसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते ओके सो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आर ह्यूज स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल टू डील विथ एनी क्रूड रिलेटेड क्राइसिस रिस्क ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स वॉर और अदर कैलेमिटीज दस मॉडरेटिंग प्राइसिस ओके तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व वॉज फर्स्ट म्यूटेड इन नाइनटीन सेवनटी थ्री इन द यू एस ए आफ्टर दिच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑयल क्राइसिस

उनके अकॉर्डिंग अगर आपको आई का मेंबर बनना है तो आपके पास नब्बे दिनों का जितना ऑयल चले उतना होना चाहिए आपके नेट इंपोर्ट के हिसाब से ओके इन केस ऑफ अ सीवियर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन आई ई ए मेम्बर्स में डिसाइड टू रिलीज दिज स्टॉक्स टू द मार्केट एज पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव एक्शन थ्री बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आर विद जापान यू एस एंड चाइना क्योंकि उनका जो डिमांड है वो उनके यहाँ इतना ज्यादा है तो इसीलिए इनके यहाँ सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है कैसे काम आएगा ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज इन इंडिया इज बींग मैनेजड बाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड आई एस पी आर एल तो इंडिया में भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और जिसको मैनेज कौन करता है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड आई एस पी आर एल इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेजेस आर एट मैंगलोर कर्नाटका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड पदूर कर्नाटका एस पर फेज वन देव फ्यूल स्टोरेज ऑफ टोटल 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स तो एज ऑफ नाव हमारे पास तीन जगहों पे ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाया गया है कर्नाटका के मैंगलोर में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और कर्नाटका के पदूर में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सेटअप टू मोर सच कवर्स एट चांदीखोल उड़ीसा एंड उडुपी कर्नाटका एज पर फेस टू थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये पांचों जो हमने नाम देखे दो कोस्टल एरियाज तो क्यों कोस्टल एरियाज़ में रखा जाएगा ताकि जब बाहर के कंट्री से लेट से मिडल ईस्ट से जब हम ऑयल मंगवा रहे हैं तो कंट्री के अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए तभी वो हमारे लिए फ़ायदा है वरना अगर उतना ही पैसा ट्रांसपोर्टेशन में भी लगाना है अगर मान लो मैं मध्य प्रदेश में अगर ऐसा कोई आ, प्लांट लगाता हूँ तो कोई मतलब उसका नहीं रहेगा मुझे सी से मध्य प्रदेश तक उसको लेके जाना पड़ेगा या नॉर्थ इंडिया तक उसको लेके जाना पड़ेगा विच विल राइज माई कॉस्ट ठीक है तो वो मेरे लिए रिजल्ट uh, नहीं देगा सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू टू मोर सर्च कवर्स एट चांदीखोल एंड उडुपी कर्नाटका एज पर फेस टू थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दिस विल गिव एन एडिशनल सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन टर्न्स ऑफ दिजर्वस आफ्टर द न्यू फैसिलिटीज गेट फंक्शनल टोटल ऑफ ट्वेंटी टू डेज ऑफ ऑयल कंजन विल बी मेड अवेलेबल तो देखिए अभी भी हम आई ई ए के मेम्बर बनने के लिए जो प्री विक्विजिट है नाइन्टी डेज़ का वो हमारे पास नहीं है बट इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर में जो योगदान है जो कॉन्ट्रीब्यूशन है स्पेशली इन ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी इसीलिए आई ई ए ने एज एन एक्सेप्शनल केस इंडिया को अपना फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इन्वाइट किया है इवन दो वी हैव अ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ओनली फॉर 22 डेज और वो भी तब जब वो बनेंगे अभी हमारे पास सिर्फ 10 दिन का 9.5 डेज़ का इक्विवेलेंट टू 10 डेज़ का ऑयल रिज़र्व हमारे पास है अगर कोई कैलेमिटी आती है तो सिर्फ हम दस दिन क्रूड ऑयल चला सकते इतना हमारे पास है With the strategic facilities, Indian refiners also maintain crude oil storage industrial stock of 65 days. Thus, approximately a total of 87 days 22 by strategic reserves and 65 by Indian refiners of oil consumption will be made available in India after completion of phase 2 of the SPR program. This will be very close to the 90 days mandate by IEA. इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ दी आई ई ए इन ट्वेंटी सेवेंटीन एंड रिसेंटली आई ई एज़ इन्वाइटेड इंडिया टू बिकम अ फुल टाइम मेंबर जिसके ऊपर अभी इंडिया ने कोई डिसीजन नहीं लिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई ई एंड इंडिया का जो पार्टनरशिप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व देखने को मिलेंगे जो येलो वाले हैं दो जर एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी अंडर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम वन तो एक है पदूर में दूसरा है मैंगलोर में और तीसरा है विशाखापट्टनम में दो जगह पे नए बन रहे हैं दैट इज चांदीखोल और द नेक्स्ट वन इज पदूर कर्नाटका ओके okay, तो दूसरा प, पदूर में भी नया बनाया जा रहा है कैपेसिटी उसकी क्या की जाएगी बढ़ाई जाएगी ओके okay? चलिए नीड ऑफ एस इन इंडिया क्या है सो बिल्ड सफिशियंट कैपेसिटी द करंट कैपेसिटी ऑफ दिस इज नॉट सफिशियंट टू टैकल एनी अनप्रिडिक्टेड इवेंट दैट अकर्स इन द इंटरनेशनल क्रूड मार्केट तो अगर इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में कुछ भी होता है तो फिर इंडिया का बहुत ज्यादा उसमें आ, से नहीं रहेगा क्यों क्योंकि इंडिया के पास कोई क्रूड ऑयल का रिजर्व नहीं है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता है एज ऑफ नाउ इंडियन क्रूड मार्केट को इंटरनेशनल क्रूड मार्केट को ओके एटी सिक्स परसेंट ऑफ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल विथ नियरली फाइव मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल कंजप्शन इन अ डे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एस का होना बहुत जरूरी है सो द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट लीड्स टू अ डायर नीड फॉर इंडिया टू मेक पेट्रोलियम रिजर्व टू एंश्योर एन्श्योर कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी एंड अवॉइड मॉनेटरी लॉसेस तो कल कुछ भी हो सकता है राइट तो अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो एटलीस्ट फॉर नाइन्टी डेज और वन ट्वेंटी डेज हम कंट्री को सर्वाइव करवा सकते हैं एनर्जी परस्पेक्टिव से अगर हमारे पास एस पी आर हुआ तो एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग मच और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड दी सफिशियंसी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी ज्योग्राफी में आपको वो सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट पास्ट में स्यूएस कैनाल जो है वो कई बार कई रीजंस की वजह से चर्चा में रहा है और इंडिया के लिए या एशिया पैसिफिक के लिए ये क्यों ज़रूरी है ओके okay, तो वो हमें समझना है सो द सीएस कैनाल इज़ एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर रनिंग नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इस्थमस ऑफ स्यूज इन इजिप्त टू कनेक्ट द मेडिटरेनियन सी एंड द रेड सी तो देखिए सुएस कैनल किस को कनेक्ट करता है मेडिटरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है इजिप्त में इजिप्त में उससे कंट्रोल किया जाता है द कैनल सेपरेट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप एंड द लैंड लाइंग अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसेफिक ओशन अगर मान लीजिए सुएस कैनल नहीं होता है तो आपका जो भी रूट है देर इज़ नो अदर मेरी टाइम रूट जो यूरोप से सीधा एशिया को कनेक्ट करता हो आपको पूरा अफ्रीका घूम के एशिया तक पहुँचना पड़ेगा विच विल इंक्रीमेंट इन टाइम इन मनी इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओके चलिए सो इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम राउट बिटवीन यूरोप एंड द लैंड लाइंग अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसेफिक ओशंस इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हैवीली यूज शिपिंग लेन्स कैरिंग ओवर ट्वेल्व परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड बाई वॉल्यूम रिसेंटली अगर आपको पता हो तो एक जहाज़ सुज कैनाल में फंस गया था जिसकी वजह से सुज कैनाल में सारा जो ट्रेड था वो क्या हुआ था रुक गया था एंड विच इज़ 12% परसेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड टोटल यहाँ से होता है सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ओके नाउ यू कैन सी दिस इज़ योर यूरोप दिस इज़ योर अफ्रीका और ये है आपका एशिया तो ये एक जो रास्ता है दैट इज़ नोन एज सुज़ कैनाल ओके okay, तो वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है इसकी वजह से आपके जो ऑयल प्राइस है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलती है अगर मुझे मान लीजिए यूरोप से आने वाली कोई चीज़ इंडिया में लानी है तो मुझे पूरा अफ्रीका घूम के अगर मैं इंडिया में पहुँचाता हूँ तो इट विल आ, इनक्रीज द कास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम ओके सो ये सुयस कैनल के, के बारे में हमें इतना जानना था डिस्कशन में था आपको उसका पोजिशन उसके आस पास के कंट्री पता होने चाहिए इजिप्त उसको कंट्रोल करता है विच कनेक्ट्स मेडिटेनियन सी एंड रेड सी ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिसी ऑन एम एस पी हमने फार्म बिल्स के बारे में बात की कि आफ्टर रिपीलिंग द फार्म लॉज फार्म लॉज द फार्मर्स आर स्टिल प्रोटेस्टिंग तो वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी और दो तीन मांगे हैं कि जो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट उनको हटा दिया जाए जो लोग आंदोलन में मारे गए हैं उनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाए और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज़ ऑन एम एस पी के गवर्नमेंट से वो लोग रिटर्न लॉ मांग रहे हैं रिटर्न प्रॉमिस मांग रहे हैं कि हमें एम एस पी दी जाएगी सो फार्मर्स आर नाउ डिमांडिंग अ लॉ फॉर गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है एम एस पी सो एम एस पी इज़ द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स. तो गवर्नमेंट फसल उगने से पहले ये बता देती है कि ओके अगर आपकी फसल नहीं बिकती है तो गवर्नमेंट आपसे क्वालिटी चेक के बाद वो फसल खरीदेगी करंटली इट फिक्सिस एम एस पी फॉर ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स ग्राउंड इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन्स तो एज ऑफ नाउ तेईस जितने क्रॉप्स को Uh, खरीब और राबी सीजन्स के मिलाकर तेईस जितने क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड की जाती है एंड हु डिसाइड इट दर इज़ अ सेपरेट कमेटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करती है कि इतनी एमएसपी होनी चाहिए हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड सो द एम देखिए नाम से ही पता चल रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मतलब किसान को अपनी फसल का एक मिनिमम प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा जो उसके लिए भी फायदा फायदेमंद हो और जो गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद हो The MSP is the rate at which the government purchases crops from farmers and is based on a calculation of at least one and a half times the cost of production incurred by the farmers. The union budget for 2018 19 had announced that MSP would be kept at levels of 1.5, the cost of the production. The MSP is fixed twice a year in the, on the recommendation of the commission. फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जिसको हम सी ए सी पी के नाम से जानते हैं विच इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी एंड सबमिट्स सेपरेट रिपोर्ट रिकमेंडिंग प्राइजेस फॉर खरीब एंड राबी सीजन तो खरीब के लिए अलग रिकमेंडेशन होते हैं राबी के लिए अलग रिकमेंडेशन होते हैं एंड गवर्नमेंट उसको मानना चाहे तो मान सकती है विच प्रोडक्शन कॉस्ट आर टेकिंग टेकन केयर इन फिक्सिंग द एम एस पीज सो दी ए सी पी कंसिडर्स बोथ ए टू प्लस एफ एल एंड सी टू कॉस्ट वाइल रिकमेंडिंग एम एस पी हमने आगे के टॉपिक में भी देखा कि फार्मर्स फिफ्टी परसेंट एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं सी टू प्लस फिफ्टी परसेंट ओके ए टू कॉस्ट कवर ऑल दी पेड आउट एक्सपेंसिस बोथ इन कैश एंड काइंड इनकर्ड बाई फार्मर्स ऑन सीड्स फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हायर्ड लेबर फ्यूल एंड इरीगेशन अमॉन्ग अदर्स ए टू प्लस एफ एल कवर्स एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द अनपेड फैमिली लेबर द सी टू कॉस्ट अकाउंट फॉर द रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉर गोन ऑन ओन लैंड एंड फिक्सड कैपिटल असेट्स रिस्पेक्टिवली ऑन टॉप ऑफ ए टू प्लस एफ तो जितना खर्चा हो रहा है एक फसल को उगाने में साल के दौरान किसान का वो सारे कॉस्ट को यहाँ पे गिना जाएगा लिमिटेशंस क्या है एमएसपी की सो द मेजर प्रॉब्लम विद द एम इज़ लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर प्रोक्योरमेंट फॉर ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट वीट एंड राइस विच द फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एक्टिवली प्रोक्योर्स अंडर द पी डी एस तो गेहूँ और चावल के अलावा जो क्रॉप्स है उनके लिए एमएसपी हर बार डिसाइड नहीं होती गवर्नमेंट चाहे तो डिसाइड कर सकती है अदरवाइज गवर्नमेंट उसको इग्नोर भी कर सकती है अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर्स द लास्ट माइल ग्रेन द फार्मर्स ऑफ द स्टेट्स वेर द ग्रेन इज प्रोक्योर्ड कम्पलीटली बाई द गवर्नमेंट बेनिफिट More while those in states that procure less are often affected. The MSP based procurement system is also dependent on middlemen. कमीशन एजेंट्स एंड एपीएमसी ऑफिशियल्स विच स्मॉलर फार्मर फाइंड डिफिकल्ट टू गेट एक्सेस टू और यही चीज को गवर्नमेंट खत्म करना चाहती थी बट हो नहीं पाया क्यों क्योंकि जो फार्म लॉस थे वो रिपील हो गए सो मिडलमैन का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है आगे देखना है बिकॉज स्टिल द फार्मर प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन तो कैसे गवर्नमेंट उसको टैकल करती है एमएसपी के परस्पेक्टिव से वो हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा So, this was your today's lecture. I hope you have understood each and every topic. If you have any doubt, please contact us and we will try to clarify your doubts. Till that time, stay home, stay safe, stay happy. Thank you.